दोस्तों आज की वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशली बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स मतलब जिन्होंने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया है। अब कॉलेज खुलने ही वाले हैं तो जितने भी 12वीं पास जो बच्चे हैं सारे भाग रहे हैं जिम की तरफ। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी आदत है ये, बहुत अच्छी बात है। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस देश का युवा जिम जा रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि भैया वे प्रोटीन अगर आप लेते हैं, भाई जिम जाना आपने स्टार्ट किया है तो प्रोटीन तो चाहिए बॉडी को मसल्स गेन करने के लिए, तो अगर आप वे प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उसको लेने का सही तरीका और सही समय क्या है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में थोड़ी शोभा बढ़ जाए इसलिए मैंने जो है वे प्रोटीन के यहां पर कुछ जो है बॉक्सेस रख लिए हैं ताकि फील आए वीडियो में थोड़ी, है ना। तो यहां पर जो है प्रोस्टार रखा हुआ है, बहुत अच्छा जो है प्रोटीन है, ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड है, नाइट्रोटेक है, पावर प्रो है, वेल नोन प्रोटीन है ये, आप जानते भी हैं। मसल्स बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेंगे, मसल्स रिकवरी में हेल्प करेंगे और आपका जो फिजिकल गोल है मसल साइज गेन करने का उसमें आपको अचीव करने में आपके सहायक होंगे ये। पर हाँ एक चीज ध्यान रखना, वीडियो के स्टार्टिंग बता दूं कि अगर आप वे प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, लो कोई सा भी, आप कोई सा भी वे प्रोटीन पाउडर लो अपनी पसंद का, लो बिल्कुल ओरिजिनल, और ओरिजिनल वे प्रोटीन्स मिलेंगे सप्लीमेंट्स विला पर। बेस्ट क्वालिटी वे प्रोटीन्स मिलेंगे सप्लीमेंट्स विला पर, जीएसटी बिल के साथ में। तो ये चीज स्पेशली ध्यान रखना, सस्ते के चक्कर में 200-400-500 यहां से रेट देख लिया, वहां से रेट देख लिया, फिर आप फंस जाते हो, फिर दिक्कत होगी लीवर किडनी हार्ट। भाई सावधान रहो बिगिनर स्पेशली, जब आप पुराने हो जाएंगे ना, मतलब 2-3 साल आपको हो जाएंगे प्रोटीन पाउडर यूज करते करते, तब आपके संग धोखा नहीं होगा क्योंकि आप पुराने हो चुके होंगे, एक्सपीरियंस आ चुका होगा आपको, पर अभी आप नए हैं और ये फेक माफिया नए बच्चों को ही पकड़ता है, इसलिए आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है। आपको वे प्रोटीन्स लेने हैं ओरिजिनल और सिर्फ सप्लीमेंट्स फिलहाल से, ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस अवेलेबल। तो दोस्तों अगर आप जिम जा रहे हैं तो वे प्रोटीन पाउडर लेने का सही समय है आपकी एक्सरसाइज के बाद में, चाहे आप सुबह जिम कर रहे हैं चाहे आप शाम को जिम कर रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइज के बाद में वे प्रोटीन पाउडर लीजिए और दिन में एक ही टाइम आप इसे लीजिए। अगर आपका मतलब शेड्यूल ऐसा है पढ़ाई का या कुछ भी एक्स वाई जेड कि उसमें आपको डाइट फॉलो करने का टाइम नहीं मिल पाता है, अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप दिन में इसको 2-3 बार ले सकते हो। पर मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको दिन में एक बार लें एक्सरसाइज करने के बाद, 2 बार भी मत लो इसको, एक ही बार लो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों वे प्रोटीन जो पाउडर होता है उसका जो बेस्ट यूज होता है वो जिम के बाद ही होता है, क्योंकि ये पचने में बहुत आसान होता है, पानी में इजीली घुल जाता है, आपने पिया 1.5-2 घंटे में पचा जाता है, उसके बाद में अपना जो है मसल रिकवरी देने लगता है, मसल रिकवरी हमारी बॉडी को होने लगती है। और अगर आप दिन में प्रोटीन ले रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपने जो प्रोटीन सोर्स हैं जैसे दूध हो गया, अंडे वगैरह ले लेते हैं आप, वो हो गया, दाल हो गई, उनसे आप कवर करें प्रोटीन, क्योंकि वो चीजें पचने में टाइम लेती हैं। आप जिम करने के बाद आप दूध पिएंगे तो भाई वो पचने में ही 2 घंटे लगाएगा, तो उस टाइम तक फिर मतलब हमारी बॉडी मतलब थकावट भी फील करेगी, फिर मतलब जो है एक तरफ तो हमारी मसल्स मतलब जो है ब्रेक डाउन हुआ है, ऊपर से आपने दूध पी लिया है, अब दूध को पचाने में भी बॉडी जो है एनर्जी लगा रही है। तो इसलिए जिम के तुरंत बाद आपको लेना है वे प्रोटीन पाउडर 1 स्कूप, समझ रहे हैं आप, 1 स्कूप आपको लेना है ये। तो दोस्तों सही समय तो आपको पता लग गया, अब बात करते हैं सही तरीका क्या है लेने का। तो इसको लेने का सही तरीका है कि आप अपने शेकर में, जब आप सप्लीमेंट्स विला से ओरिजिनल वे प्रोटीन्स ऑर्डर करेंगे तो आपको एक शेकर भी गिफ्ट मिलेगा सप्लीमेंट्स विला की तरफ से। तो जैसे ये शेकर है आपका जो कि गिफ्ट मिलेगा आपको सप्लीमेंट्स विला की तरफ से, तो इस शेकर में आपको अपने स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार मतलब अगर आपको घोल मतलब वे प्रोटीन जो आप घोलेंगे पानी में वो घोल चाहिए गाढ़ा थोड़ा थिक, तो आपको पानी रखना है 150 से 200 ml, इतना पानी रखना है आपको अगर गाढ़ा मिक्सचर चाहिए आपको। और अगर आपका मन है कि नहीं यार गाढ़ा नहीं पीऊंगा मैं, थोड़ा पतला लाइट मिक्सचर चाहिए, तो आपको पानी रखना है 300 से 400 ml, यहां पर लिखा हुआ है 300 से 400, 100 ml, 200, 300, 400 लिखा हुआ है यहां पर। तो उसको आप जो है पानी में घोलें, अच्छे से शेक करें, कम से कम 1 से 2 मिनट आपको अच्छे से शेक करना है प्रोटीन को ताकि पानी में वो घुल जाए, क्योंकि अगर वो अच्छे से घुलेगा नहीं तो उसमें थोड़ी गांठें सी रह जाती हैं, फिर आप उसे आप उसको पियोगे तो फिर वो मतलब फिर पचने में थोड़ा हार्ड रहेगा बॉडी के लिए, और अगर पानी में वो बड़े प्यार से घुल जाएगा तो आपकी बॉडी में जब वो जाएगा तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, बॉडी को ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे उसको पचाने में।
तो इसको आप अपने स्वाद अनुसार पानी में लेकर घोले 1 से 2 मिनट और उसको अपना पी लें। और पीने का तरीका भी बहुत सारे लोग होते हैं, ये लगाया मुंह में और अंदर प्रोटीन, भाई ऐसे नहीं। आराम से यार, आपने एक्सरसाइज की है, थोड़ा चिल करो, बैठो आराम से पंखे की हवा में, और प्रोटीन को पीने में भी आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लेने चाहिए। भाई एक घूंट पिए फिर आराम से रखो उसको, फिर दूसरी घूंट पियो फिर रखो, मतलब मैं एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है गट 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 पी जाते हैं उसको, नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं पीना चाहिए, आपको आराम आराम से इसको पीना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोटीन लेने का सही तरीका और समय, मैंने बता दिया जिम के बाद, और दिन में एक ही बार लो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आदत आप डाल लोगे, बहुत बार क्या होता है स्टार्टिंग में ही हमको ना आदत डल जाती है वे प्रोटीन पाउडर लेने के 2 स्कूप 3 स्कूप, फिर आगे चलकर क्या होता है कि हमको वही आदत बनी रह जाती है, फिर हम मतलब एक कह सकते हैं ना कि एडिक्शन लग जाता है एक, कि अगर आपको मतलब प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो भी रहा है ना, तब भी अंदर से क्रेविंग होगी आपको कि भैया नहीं मैं तो 2 ही बार लूंगा दिन में, जबकि जरूरत नहीं है पर फिर भी 2 बार लूंगा, क्योंकि आदत आपने गलत डाल ली स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में आदत सही डालो, एक ही बार लो आप प्रोटीन को, 2-3 बार मत लो, जिम के बाद लो, और जिस दिन जिम ना जाएं उस दिन भी स्पेशल प्रोटीन वे प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत नहीं है, अपनी डाइट से कवर करो उस प्रोटीन को। डाइट हमारा मेन पार्ट है और ये हमारे हेल्पिंग हैंड कह सकते हो आप, मतलब सिर्फ मदद करते हैं, मेन चीज डाइट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि वे प्रोटीन लेने का सही समय और सही तरीका क्या है, मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है, ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो एंजॉय करो अपने प्रोटीन को, बॉडी बनाओ, सेहत बनाओ, जिम जरूर जाओ, और मुझे बहुत अच्छी मतलब जो है फील आती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं देखता हूँ नए बच्चों को जिम जाते हुए, तो मुझे मेरा भी टाइम याद आ जाता है, मैंने भी जब 12वीं पास की थी तब मैं गया था जिम, तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी संगत में रहोगे, और जिम से अच्छी संगत और जिम से हेल्दी आदत कुछ भी नहीं है। जिम लगाओ और ओरिजिनल वे प्रोटीन खाओ, कहाँ मिलेंगे सप्लीमेंट्स वाला पर, आपको कोई भी वे प्रोटीन चाहिए या कोई भी आपका बॉडी गोल है, वजन बढ़ाना है तो मास गेनर, BCAA, EAA, एनर्जी ड्रिंक, कुछ भी आपको चाहिए सप्लीमेंट्स विला से ही लेना है, क्योंकि पूरे इंडिया का विश्वास है सप्लीमेंट्स विला। पापा मम्मी आते हैं अपने बच्चे को सप्लीमेंट दिलाने के लिए, सिर्फ सप्लीमेंट्स विला, क्योंकि पेरेंट्स का भी विश्वास सप्लीमेंट्स विला है। और ये वीडियो अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है, आपका बच्चा 12वीं पास की है, जिम जा रहा है, अभी जाना स्टार्ट किया है, तो निश्चिंत रहिए, आप अपने बच्चे को सप्लीमेंट्स वाला भेजिए, सप्लीमेंट्स वाला से ऑर्डर कीजिए, मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। काफी बार रहता ना पेरेंट्स के, भाई कोई साइड इफेक्ट हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा, ओरिजिनल प्रोटीन से कुछ नहीं होता, ये बॉडी बनाएंगे आपके बच्चे की, और दूध से बनते हैं, नॉर्मल चीज है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर करो ओरिजिनल वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स वाला से, ऑर्डर करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डायरेक्ट कॉल करके अपना एड्रेस वगैरह सारी चीजें लिखवाओ और ऑर्डर अपना बुक कर दो, कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, या फिर supplementswala.com विजिट करो, वहां पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी आपको। तो ये तो हो गया ऑनलाइन ऑर्डर करने का तरीका, दूसरा तरीका है ऑफलाइन विजिट करो। सप्लीमेंट्स वाला के आउटलेट सब हर शहर में ओपन हो रहे हैं यार, तो आप जहां नजदीकी आउटलेट है तो आप जाइए। जैसे आप सप्लीमेंट्स वाला पलवल हरियाणा जा सकते हैं, सप्लीमेंट्स वाला गुरुग्राम हरियाणा जा सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स वाला जयपुर राजस्थान जा सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स वाला ग्वालियर जा सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स वाला आगरा जा सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स वाला कानपुर जा सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स वाला लखनऊ जा सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स वाला मथुरा जा सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स वाला अलीगढ़ जा सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स वाला गाजियाबाद जा सकते हैं, सप्लीमेंट्स वाला दिल्ली कालकाजी जा सकते हैं, सप्लीमेंट्स वाला दिल्ली रोहिणी जा सकते हैं, सप्लीमेंट्स वाला सहारनपुर जा सकते हैं, सप्लीमेंट्स वाला मेरठ जा सकते हैं, सप्लीमेंट्स वाला लुधियाना जा सकते हैं, और जल्दी आउटलेट्स ओपन होंगे। और बहुत सारे भैया होते हैं, भैया आपसे मिलकर ही हम सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, तो मैं किस दिन किस आउटलेट पर रहता हूं उसके लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, आपको पता लग जाएगा। तो अगली बार मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहो और सावधान रहो, नकली वे प्रोटीन नहीं खाएंगे, सस्ते वे प्रोटीन नहीं खाएंगे, सेहत का सवाल है, ओरिजिनल खाएंगे और सप्लीमेंट्स वाला से खाएंगे। नमस्कार।